अगर आपका पिंक कलर फेवरेट है तो आपका स्वभाव और आपकी सोच कैसी होगी और कैसी है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कलर्स का क्या इनकी इंपॉर्टेंस है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन पिंक कलर की हम शुरुआत कर रहे हैं, पिंक कलर क्या दर्शाता है? पहली बात तो ये जान लो पूजा, ये जो नवग्रह हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, इनके अलग अलग रंग हैं और जिस रंग को व्यक्ति ज्यादा पसंद करता है, जिस रंग को व्यक्ति ज्यादा लाइक करता है, जिस रंग के ज्यादा कपड़े पहनता है, उस ग्रह के प्रभाव में वो हो जाता है और उस ग्रह के तदनुरूप गुण और उसके व्यवहार में सब कुछ चीजें दिखने लगती हैं। रंगों का बहुत बड़ा असर है जी। अगर रंगों का प्रभाव न होता तो हमारे शादियों में लाल जोड़े न पहनाए जाते, बिल्कुल काले और नीले जोड़े नहीं पहनाए जाते, ठीक है। लेकिन जनेऊ होने पर, उपनयन संस्कार होने पर पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो वेदाध्ययन के लिए जाने की तैयारी है, वहाँ पीले और केसरिया रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। शमशान घाट पे मुर्दे को सफेद कपड़ा कफन के रूप में दिया जाता है, क्योंकि वो शांति का प्रतीक है जी। इसी तरह से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ज्यादा करके काले रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, नीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो रंग का आपके व्यक्तित्व से बहुत गहरा संबंध है। जैसे गुलाबी रंग की बात है तो गुलाबी रंग जो है ये सूर्य का कहीं ना कहीं से रंग है। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वाले लोग दूसरों के गुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं, सहृदय और नाजुक स्वभाव के होते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, अगर आज व्हीकल्स भी चलते हैं NCR में, दिल्ली में, तो पिंक कलर की जो गाड़ी चलती है, पिंक कलर की जो व्हीकल्स चलती है वो लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए। पिंक कलर जो है वो महिलाओं के लिए है और महिलाओं का सबसे फेवरेबल कलर अगर कोई है तो वो पिंक कलर ही होता है। और तो और, दिल्ली में और NCR में हम आपको कम से कम दो चार ऐसे बाथरूम बता सकते हैं जहां सिर्फ लिखा है ओनली फॉर लेडीज, पिंक टॉयलेट। तो पिंक कलर का संबंध सहृदय महिलाओं से भी है। ये नाजुक स्वभाव की होती हैं, सरल और सहज स्वभाव की होती हैं, शर्मीले स्वभाव की होती हैं। तो ये पिंक कलर को पहनने वाले भी लोग इन्हीं गुणों से संपन्न होते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वालों को हिंसा पसंद नहीं होती है, किसी भी वाद विवाद का निपटारा ये शांतिपूर्ण ढंग से करना पसंद करते हैं। इसीलिए जयपुर जो हमारे भारतवर्ष में है, राजस्थान में जयपुर है, उसको पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर के जो भी मकान आपको दिखेंगे बाहर से उनका पेंट आपको पिंक कलर का ही मिलेगा, इसीलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। और वहाँ के लोग मार धाड़ हत्या इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। ये अपवाद है कि अगर कोई एक आध दो ऐसा करता भी हो तो ये अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर प्रेम परस्पर की भावना बलवती रहती है। तो पिंक कलर प्रेम का, सौहार्द का और सज्जनता और सरलता का प्रतीक है। पिंक कलर के कपड़े पहनने वाले कभी क्रिमिनल मानसिकता के नहीं हो सकते। पिंक कलर के वस्त्र धारण करने वाले कभी क्रूर और निर्दयी नहीं हो सकते हैं। पिंक कलर के कपड़े पहनने वाले लोगों के अंदर दया, परोपकार की भावना जरूर छिपी रहती है।
अब केवल सुन करके और अपने को दिखावा करने के लिए एक दिन अगर आप पिंक पहन लें तो शायद ये गुण नहीं आएगा, लेकिन यदि स्वभावतः आपको पिंक कलर पसंद है तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये सारे मौलिक गुण विद्यमान रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।